पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने सरकार से मांग की है कि प्राथमिकता के आधार पर इस विपत्ति की घड़ी में आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे प्रदेश के बहादुर कर्मचारियों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाएं। उन बहादुर कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा जो आपात सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या दूसरे चाहे बिजली पानी की सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी जरूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। राशन देने वाले हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा केमिस्ट शॉप हैं, या फ्रूट सब्जी दूध सप्लाई देने वाले हैं, मैं समझता हूँ इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जैसा मुझे सूचना मिली है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनके पास भी जो उनकी सुरक्षा के लिए उनको उपकरण चाहिए, मास्क या सैनिटाइजर, उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पुलिस वालों के पास नहीं है। और मास्क भी इसमें साधारण मास्क भी जो है वो उपयुक्त होता है, इसमें N95 मास्क चाहिए, और वो ना तो कहीं सरकार की तरफ से सप्लाई उसकी मुहैया कराई जा रही है और ना ही किसी केमिस्ट शॉप पे वो उपलब्ध है। तो ये सरकार सुनिश्चित करे ताकि जो आपात सेवाएं दे रहे हमारे साथी हैं, कर्मचारी भाई हैं, बहनें हैं, तो उनकी सुरक्षा जो है वो हम सुनिश्चित कर सकें। और मैं समझता हूं कि हमें इस लड़ाई का मुकाबला करने के लिए उनके योगदान की जहां हम सराहना करते हैं, वहीं पे सरकार और समाज के ऊपर उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सब के ऊपर है, उसकी तरफ जो है ध्यान देने की जरूरत है।